दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए घुटनों के दर्द को दूर करने का एक ज़बरदस्त घरेलू उपाय लेकर के आया हूँ। चाहे आपके घुटनों में सूजन हो गया हो, बहुत तेज दर्द होता हो, आप चल भी नहीं पा रहे हो, कोई भी काम आपसे नहीं होता है, तो बिल्कुल आप उस दर्द को कम कर सकते हैं, सूजन को मिटा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में गुड़ को अमृत के समान माना गया है। गुड़ जो होता है दोस्तों, इसे जैगरी कहते हैं, मीठा कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों, पेट से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उसको दूर कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक ऐसा लेप मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका यदि आप लेप लगाते हैं अपने घुटनों के ऊपर, तो बिल्कुल दर्द के साथ साथ सूजन को भी मिटा देता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल आपको इसका प्रयोग करने में बेहद आसानी होगी, और बिल्कुल चाहे दर्द के साथ साथ कितना भी सूजन हुआ हो, सूजन को भी कम कर देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जैगरी को लेकर के आनी है। जैगरी को लेकर के आने के बाद आप इसे एक बर्तन में इस तरह से ले लीजिए। आप चाहें तो आप इसे इमाम दस्ते में डाल करके अच्छे से इसकी कुटाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इसे बिल्कुल महीन कर लेना है। आपको इसे इतना महीन करना है कि आप इसका जब लेप तैयार करें तो बेहद ही आपको आसानी हो। दोस्तों, गुड़ के अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, तो इसका प्रयोग करने से ना घुटनों के दर्द में बेहद ज़्यादा जो है ना आराम मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुड़ को जो है महीन कर लिया है। ये दोस्तों थोड़ा सा ऊपर से ना सख्त होता है, लेकिन अंदर से बेहद ही नरम होता है। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल आप ऐसे ही इसे बनाएं और 100% आपको इससे जो है ना आराम मिल ही जाएगा। तो इस तरह से इस जैगरी को मसलने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में इस लेप को बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ऐसा कुछ बर्तन है, छोटा सा कढ़ाई है, इस तरह से फ्राई पैन है, तो आप इसमें इसको बना सकते हैं। तो 4 चम्मच जितना आप इस जैगरी को जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उस बर्तन में आप निकाल लीजिए, और आगे मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें और आपको डालनी है। तो लगभग में हमने यहाँ पर जो है ना 2 चम्मच डाल दिया है, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया दोस्तों चौथा। इस तरह से आपने गुड़ को ले लेना है। गुड़ को लेने के बाद आपने यहाँ पर दूसरा चीज़ इसमें डालनी है, ये दोस्तों हल्दी को। हल्दी जो होता है दोस्तों, ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल तत्व इसके अंदर होता है, साथ साथ इसके अंदर कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है, जो घुटनों के दर्द हो, सूजन की समस्या हो, तो उसे बिल्कुल ठीक करने का काम करता है। और अंत में आपने यहाँ पर डालनी है ये दोस्तों चूना को। ये खाने वाला ही चूना है, जो आपको इजीली पान बेचने वाले का दुकान पर मिल जाता है, तो आप इसमें चूना को भी इसके अंदर डाल दीजिए। चूना को डालने के बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर 3-4 चम्मच के जितना इसके अंदर आपको पानी को मिला देनी है, कुछ इस तरह से। तो पानी आपने इसके अंदर डाल दिया, और फिर आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से मिला देनी है। पानी को डालने के बाद आपको इसे क्या करना है, आपको इसे गैस पर ना चढ़ानी है। आपको इसे तब तक गर्म करनी है जब तक कि दोस्तों हमारा जो गुड़ यहाँ पर डाला हुआ है वो पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है। अगर ये हमारा जो गुड़ है पिघल जाता है, तो हमारा जो नुस्खा है बन करके तैयार यहाँ पर हो जाता है। तो आपको आँच को बिल्कुल धीमा ही रखना है, तो कुछ इस तरह के बुलबुले यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, और हमारा जो लेप है पूरी तरह से बन गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपको इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना दोस्तों यह पूरी तरह से जम जाता है। तो कुछ देर ठंडा करने के बाद आप इसे इस तरह से ले करके अपने घुटनों के ऊपर इसे लगाइए। लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आप चाहे तो मसाज भी कर सकते हैं, और लेप की तरह लगाने के बाद आप चाहे तो आप इसे कपड़े से बांध भी सकते हैं। दोस्तों, आपको इसका प्रयोग रात में करना है, आप चाहे तो आप इसका प्रयोग दिन में कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद आपको चलना नहीं है, आपको टहलना नहीं है, आपको केवल आराम करना है। तो रात्रि के समय आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप आराम कर पाएंगे अच्छे से। तो रात्रि के समय आप इसका प्रयोग करें, आप कपड़े से बांध भी सकते हैं या फिर ऐसे ही लगा सकते हैं। तो कुछ दिन लगातार ऐसा करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द है, सूजन है, तो बिल्कुल उसमें फ़ायदा करेगा। यहाँ तक कि दोस्तों आप इसका प्रयोग जो है एड़ी के दर्द के ऊपर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसका प्रयोग करें और इस दर्द से निजात पाएं।
तो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।